कि किस तरह से 25 ट्रिलियन हो जाएगी। अबे जो 5 ट्रिलियन के लिए मोदी रो रहा है, ये 5 ट्रिलियन नहीं होगी। हम अपने आत्मनिर्भर होने की बजाय दूसरे पर निर्भर होते हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं बताया कि देश का कर्जा मेरे रहते इन 8 सालों में दोगुना हो गया है और मार्च 2023 तक वो जाते जाते 3 गुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया। यही चौकड़ी रही हम दो और हमारे दो, तो इस देश की जो जीडीपी जिसको आप बात कर रहे हो, वो जीडीपी 1 ट्रिलियन भी रह जाए तो बड़ी बात समझ रहा हूँ। लोग कमेंट 1 ट्रिलियन लोग सर... एक की बात कर रहा हूँ मैं, मोदी जी के बस की नहीं। मोदी जी तो क्या उनके जो पुरखे हैं और उनके जो यार हैं वो सारे मिलकर कर ले तो भी बस की नहीं। क्योंकि जहां भी ठेका पड़ता है वहां यही है, वहां रिजर्वेशन खत्म है। तो रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए भी ये योजना लाई गई है। अब ठेके पे होंगे तो वो अपने लोगों को आरएसएस के लोगों को भर्ती करेंगे। एससी एसटी ओबीसी इस ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत इनको कैसे खत्म कर दिया जाए, हर जगह जाने से इन्हें कैसे रोका जाए, ये इस अग्निपथ योजना के पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश है। आरोप लगा रहा हूं मैं। ये इसमें देश को आर्थिक मदद नहीं, वो आदमी देश को आर्थिक रूप से बर्बाद कर रहा, तबाही कर रहा है और ये सब दिखा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो बताए जरा किस तरह से, केवल गाल बजाने से नहीं होता। जन्मदिन में कई करोड़ दान भी दिया। ये बताए कि किस तरह से 25 ट्रिलियन हो जाएगी। अबे जो 5 ट्रिलियन के लिए मोदी रो रहा है, ये 5 ट्रिलियन नहीं होगी। आप अच्छाई नहीं देखते, गरीबों को दान दिए 60 करोड़। मैं अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं बात उसकी कर रहा हूँ जो सच्चाई है, जो हकीकत सामने है, बात उसकी करो ना। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बातें करी लंबी लंबी, अभी भी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि इस देश का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है और इस देश का जो है निर्यात कम होता चला जा रहा है। हम अपने आत्मनिर्भर होने की बजाय दूसरे पर निर्भर होते हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह नहीं बताया कि देश का कर्जा मेरे रहते इन 8 सालों में दोगुना हो गया है और मार्च 2023 तक वो जाते जाते 3 गुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने नहीं बताया ना। अमित शाह तो कह रहे हैं कि 30-35 साल बीजेपी कहीं जा रही है। घुमाने की बात करो कि अमित शाह ये करें वो करें। कार्यशैली होगी तब तो कह रहे हैं। आत्मविश्वास से लबड़ेज है पूरी तरीके से। इनकी कोई कार्यशैली नहीं है, ये केवल देश को गुमराह कर रहे हैं और लगातार देश को बर्बादी और तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। 25 ट्रिलियन की जो वो कराना अडानी, इस देश के 10 ट्रिलियन भी तुम कर लो ना अगले 50 साल में तो भी बहुत बड़ी बात तो है। कैसे और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर यही चौकड़ी रही हम दो और हमारे दो, तो इस देश की जो जीडीपी जिसको आप बात कर रहे हो, वो जीडीपी 1 ट्रिलियन भी रह जाए तो बड़ी बात समझ रहा हूं। लोग कमेंट 1 ट्रिलियन लोग सर, एक की बात कर रहा हूं मैं सर। लोग कमेंट करते हैं भानु प्रताप जी इतना मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं तो ब्लूप्रिंट वही देते, देश कैसे तरक्की करेगा आगे जाएगा दे देंगे। इसमें क्या बात, ब्लूप्रिंट देंगे, हमारे पास है ब्लूप्रिंट। मतलब मोदी जी से नहीं हो पाएगा। मोदी जी के बस की नहीं। मोदी जी तो क्या उनके जो पुरखे हैं और उनके जो यार हैं वो सारे मिलकर कर ले तो भी बस की नहीं। लगता है हिंदुत्व को साइड रखकर आप ये सब कर सकते हैं। तुम यार बेवजह हिंदुत्व की बात ले आते हो, हिंदुत्व को साइड, ये मैं हिंदू कहां आ गया यार। मतलब इकोनॉमी में हिंदू को घुसेड़ रहा, कमाल बात है यार तुम्हारा भी। मतलब यार जिस ट्रैक पे चल रहे हो उसी ट्रैक पे चलो ना। मतलब ये थोड़ी है कि बड़ एक रोड पे दौड़ रहे और जाति फट देती जाओ। तो वोट विकास शिक्षा रोजगार के नाम पे वोट कहाँ मिलता है। कई चुनावे हो गई, आपने भी चुनाव लड़ा, आपने भी देखा। हमने भी देखा, हमने भी चुनाव लड़े, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव लड़ा लिया जाए, चुनाव करा दिया जाए, ईवीएम हटा दी जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया जाए, तो मोदी जी अपनी जमानत नहीं बचा सकेंगे खुद, और वो भी बनारस में। यहां तक मैं दावा कर रहा हूं, एक बार करा के तो देखो ना। मैं इतनी ताकत से बोलता हूं, इतना चैलेंज देके बोलता हूं, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मोदी जी एक बार कराते क्यों नहीं बैलेट पेपर से, क्या दिक्कत है इसमें। लगता है कामयाबी होगी आपका ईवीएम निश्चित रूप से होगी। कामयाबी हमारी निश्चित रूप से होगी और हमारी कामयाबी क्या, देश की कामयाबी है ये। हम सबको मिलकर, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप भी, हम सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये जो करी जा रही है ये भर्ती, इस भर्ती के पीछे एक बहुत ही भयानक गंदी सोच है जो ये अग्निपथ योजना लाई गई है, और वो है कि इस देश में
जो आरक्षण सेना में था, आप सेना में भी उस आरक्षण को खत्म कर दो। जितनी भी सरकारी संस्थान थे, जितने भी सरकारी उद्योग थे, उन सबको बेचा ही जा रहा है, एक एक करके बेचा जा रहा है। तो जो बिक गया, जो निजी क्षेत्र में चला गया, आरक्षण खत्म हो गया। ठीक इसी तरह से नौकरियां जो है वो भर्ती नहीं की जा रही हैं, उनको सबको बंद कर दिया गया, नई कोई भर्ती हो नहीं रही है। और आईएएस में भी लेटरल एंट्री होने लगी, पीछे से, पीछे के दरवाजे से एंट्री की जाने लगी है। अब तक 40 और 30 तकरीबन 70 लोगों को भर्ती किया जा चुका है और 400 लोगों को भर्ती करने की बात है आईएएस में भी। और इसके साथ साथ अब ये पीसीएस यानी जो राज्य की जो प्रांतीय सर्विसेज है उनमें भी इसको भर्ती करने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब कैसे हो, सेना से कैसे बाहर निकाला जाए, क्योंकि सेना में काफी बड़ी संख्या में किसानों के बच्चे हैं, SC ST OBC के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए ठेका प्रथा शुरू की गई है। क्योंकि जहां भी ठेका प्रथा है वहां यही है, वहां रिजर्वेशन खत्म है। तो रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए भी ये योजना लाई गई है। अब ठेके पे होंगे तो वो अपने लोगों को, RSS के लोगों को भर्ती करेंगे, और बाकी जो है उसमें जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन खत्म। यानी आप जैसे कहेंगे कि 27% वो और 22.5% वो, तकरीबन मिला के यानी अगर 46,000 भर्ती है तो 46,000 में से कम 23,000 भर्ती तो SC ST OBC इनकी होनी थी, अब ये नहीं होगी। अगर होगी सारी तो वही होगी, लेकिन वो भी सब इसलिए सब कुछ ठेके पे किया गया है। SC ST OBC इस ब्राह्मणवादी मानसिकता के तहत इनको कैसे खत्म कर दिया जाए, हर जगह जाने से इन्हें कैसे रोका जाए, ये इस अग्निपथ योजना के पीछे एक बड़ी घिनौनी साजिश है। आरोप लगा रहा हूं मैं, ये बड़ी घिनौनी साजिश, और ये आरोप मेरा सच है। माइनॉरिटीज के लोगों को कैसे वहां आने से, भर्ती करने से रोका जाए, यह घिनौनी साजिश है। क्यों? क्यों ठेकेदारी में कहां आरक्षण? मैं 4 साल के लिए ठेकेदारी है, परमानेंट जॉब थोड़ी है, आप किससे करेंगे, कहां जाएंगे, अदालत में जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ठेकेदारी पे है। तो ये एक एक करके ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, ये मनुवादी मानसिकता काम कर रही है, और हिंदू राष्ट्र के सपने के तहत जो काम कर रही है, उसमें आरक्षण को हर जगह से खत्म कर दिया जाए, SC ST OBC और माइनॉरिटी का कहीं भी जाना बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उसके तहत ये घिनौनी साजिश की गई है।